मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 7.1 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। यदि क्यू 0.1 बिंदुओं पी 5-3 और आर x.6 से सम दूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन, क्यू पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पर क्यू पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक 0.1 है, और एक पॉइंट है पी जिसके ज्यामिति निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स जो है वो 5-3 है, और एक पॉइंट है आर जिसके कोऑर्डिनेट्स x.6 है। तो ज्यामिति निर्देशांक है और ये पॉइंट क्यू है। तो कहा गया x का मान ज्ञात कीजिए कि दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए, और जो क्यू है वो बिंदुओं पी और आर से सम दूरस्थ है, मतलब क्यू की दूरी जितनी पी से है उतनी ही दूरी आर से है। सम दूरस्थ का मतलब पहले भी बताया हुआ है, समान दूरी पर स्थित। तो जो क्यू पॉइंट है वो पी और आर से समान दूरी पर स्थित है, यानी कि जितना क्यू पी है उतना ही क्यू आर है। तो आप यहाँ पर लिखोगे प्रश्नानुसार, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्यू पी बराबर है क्यू आर। क्यू का जो डिस्टेंस है पी से वही है जो क्यू का आर से है। अगर इनके डिस्टेंस बराबर हैं तो इनके स्क्वेयर्स यानी कि वर्ग भी बराबर होंगे। क्यू पी का वर्ग बराबर है क्यू आर का वर्ग, और वर्ग लेना है और वर्ग के अंदर दूरी सूत्र, वर्ग लेना है और वर्ग के अंदर दूरी सूत्र क्यू आर का। तो क्यू पी लेना है तो x में से x वाले को माइनस कर देंगे, यानी कि 5-0 का वर्ग प्लस दूसरे पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में से माइनस कर देंगे पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और उसका कर देंगे स्क्वायर। और यहाँ पर भी ऐसे ही, पहले दूसरे पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में से पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे स्क्वायर, दूसरे पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में से पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे 6-1 का स्क्वायर। ये ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर, वर्गमूल और वर्ग कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी वर्गमूल और वर्ग कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास वर्गमूल के अंदर वाली रकम रह जाएगी दोनों साइड, 5-0 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3-1-4 हो गया, -4 का स्क्वायर x का स्क्वायर, और 6-1 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 25 प्लस -4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये 25 और 16 वहाँ जाके माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर रहेगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 -25 -16। तो यहाँ से मिला 0 इक्वल टू, ये कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर -16। -16 को बेशक इधर ले आए राइट साइड लेफ्ट साइड पे, तो 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अगर जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड जाके वर्गमूल हो जाएगा, और जब भी वर्ग हटाते हैं दूसरी साइड जाके वर्गमूल तो आ जाता है, साथ में प्लस और माइनस का चिन्ह भी आता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस, और 16 का जो वर्गमूल होता है 4, क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16, तो 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4, दो बातें पॉसिबल हैं। तो x की वैल्यू प्लस 4 भी हो सकती है और माइनस 4 भी हो सकती है, क्योंकि x जो है वो x कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट प्लस के भी हो सकते हैं माइनस के भी हो सकते हैं। कई बार आपने देखा है कि x कोई ऐसी वैल्यू होती है, कोई ऐसी चीज़ की वैल्यू होती है जो नेगेटिव नहीं हो सकती है। जैसे कि अगर x बोलें, मान लो किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या लें, तो विद्यार्थियों की संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकती है। तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, x की वैल्यू -4 ना लेके
सिर्फ x की वैल्यू प्लस फोर ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर x जो है वो इसका x निर्देशांक है, x कोऑर्डिनेट है, वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, तो दोनों ही आंसर हमारे पास रहेंगे। तो आंसर आ गया x की वैल्यू प्लस माइनस फोर। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे r यहाँ पर है, एक पॉइंट r कहीं और भी मिल सकता है आपको, ऐसे कि जितनी ये दूरी है उतनी ये दूरी हो। तो x की वैल्यू जैसे यहाँ पर 4.6 है, ऐसी एक r यहाँ पर मिल सकता है आपको जिसके कोऑर्डिनेट माइनस 4.6 हो। तो ये दूरी और ये दूरी भी सेम है, इसका मतलब r जो बिंदु है वो यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी। अगर यहाँ पर है तो x की वैल्यू 4 है, और अगर यहाँ पर है तो x की वैल्यू माइनस 4 है, तो दो पॉइंट पॉसिबल है, इसलिए दो आंसर पॉसिबल हैं, प्लस 4 और माइनस 4। तो आपने इसको वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना सफिशियंट है। तो ये इसका आंसर आपका।